तो जैसे कि आप सबको पता है कि बिग बॉस 17 का कल पहला वीकेंड का वार था, तो जिस तरीके से इस शो का वीकेंड का वार बोला जाता है तो उस तरीके से वो हलचल हुई। तो आपने अगर देखा तो टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन आए थे शो में, जिसमें उन्होंने टास्क दिया था कि आपको क्या लगता है कि बिग बॉस को किन को चुनने में मतलब गलती हो गई है। तो उनका उन्होंने फेस किया, तो जिसमें मुनावर, अभिषेक, खानजादी, ये सब बड़े बड़े लोग आके उन सबका पोस्टर लगाया और उनके बारे में कुछ टिप्पणी दी। पर जो सबसे बड़ा कल का जो वीकेंड का वॉर पे जो दो तीन चीज़ मैंने देखा, आप सब ने भी नोटिस किया होगा बिग बॉस के फैंस के नाते, तो अभिषेक और ईशा का जो फेक रिलेशनशिप बोला है सलमान खान ने, खुद ही कहा है क्योंकि उस चीज़ को, और देखने में लग भी रहा था कि वो एक स्क्रिप्टेड है, क्योंकि जिस तरीके से वो मेन स्टेज पे भी लड़े, मैंने जैसे पहले बोला है, जिस तरीके से वो मेन स्टेज पे भी लड़े, फिर उसके बाद अंदर आके वो एक दूसरे के लिए मैनर फील करें। कल बल्कि ईशा ने खुद बोला कि मुझे उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना, बस मुझे उसके साथ जब मैं रहती हूँ तो बॉन्ड उनको याद रहता है। पर अभिषेक का मानना है कि उसको उसके साथ सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रखना। तो सलमान खान का इसका मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा एडवाइस होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बोला कि अगर आपको इग्नोर करना है तो जैसे आपने एक साल किया, चार महीने आप सामने रख के इग्नोर करो, तो इट्स अ वेरी गुड। पर जिस तरीके से सलमान खान के सामने कुछ नाम है, अभिषेक, ऐश्वर्या, वीके, तो काफ़ी उनके भी कुछ पुराने किस्से, खैर ये सब छोड़ते हैं। पर जो सेकंड चीज़ है वो है कि खानजादी इस बार बहुत तगड़ी विलन बन चुकी है, बहुत गुड इविल विलन बन चुकी है। जैसे कि पिछले बिग बॉस के सीजन में चाहे वो बेबीका रानी हो या फिर वो राखी सावंत 2.0 कह सकते हैं, पर जिस तरीके से खानजादी, देखो आपको मैं बताऊँ, खानजादी के देखो शब्द थोड़े ऐसे टूटे फूटे लगते हैं बिकॉज शी इज़ लाइक असामी गर्ल, पर वो जिस तरीके से वो मतलब उनके अगर इनके साथ अंकिता का एलिगेंस होता है तो वो देखती हैं और उस चीज़ के ऊपर वो बॉन्डिंग, तो जो जिस हिसाब से वो अपनी आवाज़ ऊपर करके बोलती हैं, एज अ रैपर गुड परफॉर्मेंस कर रही हैं। पर जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे आने वाले हफ्ते, यानी कि जो ये अपकमिंग वीक रहेगा मंडे टू फ्राइडे के बीच में, इसमें बहुत तगड़ा हो सकता है झगड़ा, क्योंकि सलमान ने खुद कहा, मैं भी आपको बोल चुका हूँ कि इसके ये पहला हफ्ता होगा कि बिग बॉस के शुरुआत में कोई टास्क ही नहीं हुआ जब इतना झगड़ लिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये दो फाइट आपको देखने मिल सकते आने वाले वीक में, ये तो पहले अंकिता लोखंडे वर्सेस खानजादी, और सेकंड सबसे बड़ा फाइट आपको देखने मिल सकता है नील वर्सेस विकी, क्योंकि कल जब नील विकी को समझा रहा था, मतलब जब विकी नील को समझा रहा था, आई एम सॉरी, पर जब विकी नील को समझा रहा था तो उसके माइंड में एक चीज़ था कि मैं सुनूं क्यों, मैं अपने बात पे अड़ा हूँ। तो देखो सबसे पहली बात, ये पूरा गेम है एक ध्यान से सुनने वाली चीज़ पे, और आप किस एक्शन पे अपना माइंड बदल देते हो। जैसे कल आप सबसे बड़ी आपने एक चीज़ देखी होगी कि मनारा कान की कच्ची इंसान है, उसने यहाँ की छोटी सी चीज़ अंकिता का उसने एंगर को ज़्यादा ले लिया और उस पर वो रोने लगी, पर वो दो मिनट में मान ली। ऐसे ऐसे एक्टर ना, ऐसे जो बिग बॉस कंटेस्टेंट में आते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं, उनका ये होता है एनगेंस नहीं होते, उनके दिल में कुछ चीज़ें होती नहीं, उनको छोटी सी चीज़ लग जाती है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन एल्स मुनावर फारूकी, क्योंकि वो बंदे का गेम बहुत क्रेजी है, चाहे वो लॉकअप हो चाहे वो बिग बॉस हो, आई सपोर्ट एवरीवन। पर बात आती है एविक्शन के ऊपर, तो देखो 60% चांस है कि एविक्शन नहीं होगा क्योंकि पहला वीक है, पर 40% चांस होगा एविक्शन होगा, और जिसका एविक्शन होगा आप सबको पता है एज ऑलवेज कि नाविद निकलेगा, क्योंकि गेम उसका सेटल हो रहा है, पर जब तक वो सेटल होगा तब तक काफ़ी गेम आगे चला जाएगा। तो वो एक रश में है, उसको पता नहीं, पर वो एक रश में है, वो गेम काफ़ी कुछ समझ चुका है। जैसे आपने देखा कल सलमान ने उसको हिंदी में पूछा तो उसने इचिंग, खजुआना, खाना सब बताया, पर इट्स अ गेम, देखते हैं कि इसको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा। पर जनता की तरफ से मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मुनावर वर्सेस यूट्यूब पे ट्रेंड हो और कंटेंट क्रिएटर वर्सेस टीवी सीरियल हो, सपोर्ट दिखाओ लोगों को, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर आए, जिस तरीके से वन वर्ड हमारे स्लैंग अचानक भयानक भाई आए, तो सबको प्यार दिखाओ और आप बताओ कंटेंट में, आप कमेंट बताओ, कमेंट करो किसको आप सपोर्ट करोगे और आने वाली वीक में क्या झगड़ा दिखेगा, और क्या ईशा किसी और से रिप्लेस कर सकती है अभिषेक को, क्योंकि उसको भी अपना एटीट्यूड नहीं, उसको भी अपना करना है, किसी को भी इग्नोर करना है, तो इग्नोर करने के लिए इंसान किसी का भी कंधे का सहारा ले सकता है, तो वो कौन कंधा बनेगा। जानो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि इस पे वीडियो अधिक से अधिक आने वाली है, बहुत से ज़्यादा आने वाली, तो सब्सक्राइब करो।